आज डिस्कस करेंगे कि जो स्टीम इंजन है वो कैसे काम करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो स्टीम इंजन है, जैसा कि इसका नेम दिया गया है, तो ये स्टीम ऑपरेटेड होता है। स्टीम ऑपरेटेड, स्टीम कहाँ पे जनरेट होती है? बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर के अंदर जो स्टीम जनरेट होती है वो इस इंजन के पास आती है और इसको ऑपरेट करती है, तो इसलिए इसको स्टीम इंजन कहा गया है। तो स्टीम इंजन जो है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो इस फिगर के अंदर हमने दिखाए हैं, तो इसको समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले इसके अंदर होता है एक सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर जिसके अंदर एक होता है पिस्टन। जिस तरह से इंटरनल कंबर्शन हमारे इंजन होते हैं, इसी तरह से स्टीम इंजन भी होता है, जिसके अंदर एक सिलेंडर होगा और एक है पिस्टन। ये है पिस्टन, पिस्टन जो कि मूव करेगा इस सिलेंडर के अंदर। लेकिन जो ये सिलेंडर है और जो पिस्टन है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर होगा। डबल एक्टिंग मतलब कि इसको दोनों तरफ से पावर मिलेगी। यहाँ पे देखिए, ये एक इनलेट पोर्ट है जो ये दिखाया गया है, और यहाँ पे ये भी एक इनलेट पोर्ट है जो ये दिखाया गया है। तो दो इनलेट पोर्ट हैं, तो दोनों तरफ से ही इसको पावर मिलेगी। जब इस तरफ से स्टीम आएगी तो ये पिस्टन इस तरफ जाएगा और आगे की तरफ कंप्रेस करेगा, जो कि स्टीम थी इसकी आगे की तरफ, और उसको बाहर, ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, ये चीज यहाँ से उसको यहाँ से एग्जॉस्ट कर देगा। जैसे पीछे से पिस्टन आई, स्टीम आई, सॉरी, पीछे स्टीम आई और पिस्टन को आगे की तरफ मूव किया उसने, यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी स्टीम तो आगे की तरफ मूव करेगी, तो जो यहाँ पे स्टीम होगी वो यहाँ से बाहर निकल कर यहाँ से और इस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर चली जाएगी। और इसी तरह से अगर यहाँ से स्टीम आएगी इस इनलेट पोर्ट के थ्रू, तो वो जब यहाँ पिस्टन होगा, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे उसको इम्पैक्ट करेगी और इसको इस तरफ चलाएगी, इस पिस्टन को। तो जब पिस्टन इस तरफ चलेगा, तो जो ये स्टीम इसके पीछे होगी, तो ये यहाँ से बचकर निकलेगी यहाँ से, और ये जो वाल्व है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से फिर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो मेनली क्या है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है कि जो आगे से भी इसको इम्पैक्ट मिलेगा स्टीम का, और पीछे से भी इम्पैक्ट मिलेगा। दो पावर स्ट्रोक मिलेंगे, एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से, तो इस तरह से पिस्टन मूव करेगा। और जो ये वाल्व है, ये है हमारा डी स्लाइड वाल्व, ये है डी स्लाइड वाल्व, इसको डी स्लाइड वाल्व बोलते हैं। इसको डी स्लाइड वाल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए डी शेप का है, जिस तरह की डी होती है इस तरह की, तो ये डी शेप का है, तो इसलिए इसको डी स्लाइड वाल्व बोला गया है। डी वाल्व तो हो गया कि ये डी शेप का है, स्लाइड मतलब कि ये स्लाइड करेगा, इस तरह से स्लाइड करेगा। तो जब ये स्लाइड करेगा आगे और पीछे, तो ये कभी ये इस इनलेट पोर्ट को ओपन करेगा और कभी ये इस इनलेट पोर्ट को ओपन करेगा। तो एक को ये ओपन करेगा और दूसरे को क्लोज कर लेगा, जैसे कि इस पोजीशन में है ये। देखिए, ये तो क्लोज है और सॉरी, ये ओपन है और ये क्लोज है। तो जब स्टीम आएगी ऊपर से, जो बॉयलर है, हाई प्रेशर स्टीम इसको देगा, तो ये जो ओपन वाला वाल्व है, ये इस टाइम ओपन है, तो यहाँ से स्टीम आएगी और इसके ऊपर पीछे से इंपैक्ट करेगी, तो वो आगे की तरफ जाके यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह से जब ये वाल्व पीछे होगा, तो पीछे होगा मीन्स ये वाल्व ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तो स्टीम एंटर करेगी यहाँ से, तो वो पिस्टन को यहाँ से इंपैक्ट करेगी और पीछे से जो स्टीम है वो यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो ये हो गया पिस्टन, ये हो गया उसकी कनेक्टिंग रोड, ये कनेक्टिंग रोड है सारी, कनेक्टिंग रोड, और ये है क्रॉस हेड जो कि गाइड करेगा इसको। क्रॉस हेड हम इसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिंकेज को गाइड करता है इस रोड की। ये पिस्टन रोड है, ये पिस्टन रोड है जो कि इस क्रॉस हेड से कनेक्ट है। ये क्रॉस हेड आगे फिर इस कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट है। कनेक्टिंग रोड यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट है, ये क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट है। तो जब भी पिस्टन इस तरह से मूव करेगा, तो ये अपनी जो इस पिस्टन रोड और इस कनेक्टिंग रोड के थ्रू मूवमेंट देगा इस क्रैंक को, तो क्रैंक क्या करेगी, उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करेगी, जिसको हम आगे यूज करते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट हमारी रोटरी मोशन के अंदर
इस तरह से रोटेट करेगी। तो ये तो हो गया इसका काम कि स्टीम आएगी और पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा और इन लिंकेज के थ्रू क्रैंक को रोटरी मोशन मिलेगा। लेकिन जो ये स्लाइड वाल्व है, डी स्लाइड वाल्व है, ये किस तरह से ऑपरेट करेगा? ये क्रैंक शाफ्ट से ही यहाँ पे एक्सेंट्रिक से कनेक्ट होता है। इसको हम एक्सेंट्रिक बोलते हैं। एक्सेंट्रिक मतलब कि जिस तरह से एक कैम कनेक्ट होती है फॉलोवर के साथ, कि वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। इसकी हम मूवमेंट को, हमें क्या करना है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट लेनी है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्या हो, कि रिक्वायरमेंट के अंदर हो, कि कितनी हमें फॉरवर्ड चाहिए और कितनी बैकवर्ड चाहिए। तो हम इक्सेंट्रिक इस तरह का लिंकेज बनाते हैं कि जैसे ही रोटेट करती है तो इसके साथ जो ये रोड है, इक्सेंट्रिक रोड हम इसको बोलते हैं, और ये लिंकेज हैं सारी, ये लिंकेज है, ये सारे लिंकेज हैं, तो उस तरह से मूव करें जब ये इस तरह से रोटेट करे कि थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे, कि वाल्व को ओपन और क्लोज करने के बस काम आए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम मूवमेंट बना लेते हैं, उसको हम इक्सेंट्रिक बोलते हैं, कि बिल्कुल सेंटर में नहीं, कि थोड़ा ऑफसेट हो सेंटर से और उसकी मूवमेंट का हम फायदा उठा सकें। तो इक्सेंट्रिक जो है रोड है, इक्सेंट्रिक जो पूरी है, ये कनेक्ट होती है इस डी स्लाइड वाल्व से, ताकि हम इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जब ये इक्सेंट्रिक भी रोटेट करेगी और इसके साथ ये जो रोड है ये भी जब आगे पीछे मूव करेगी तो क्या होगा, तो उससे हमारा जो वाल्व ओपन क्लोज होगा और जो स्टीम है वो इन वाल्व्स के थ्रू यहाँ पे एंटर करेगी सिलेंडर के अंदर, आगे या पीछे से जो पिस्टन के, तो उसको वो पावर स्ट्रोक देगी। तो इस तरह से जो स्टीम इंजन है वो काम करेगा और हमें वर्किंग मिलेगी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो इस तरह से स्टीम इंजन काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।